बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़वली। जैसा कि आपको मालूम है, आज की जो डिस्कशन है वो पोस्ट कोविड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एंड देयर इस्लामिक सॉल्यूशंस। एजुकेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी अशद जमाल साहब ने दो तीन प्रॉब्लम्स को की तरफ इशारा किया। सबसे पहले जब हम एजुकेशन की प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं, तो एजुकेशन की प्रॉब्लम से पहले थोड़ा सा ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, आउट ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट रेट क्या है, इस लॉकडाउन की वजह से क्या क्या चेंजेस इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर देखने में आए। इससे पहले कि मैं अपनी बात और आगे बढ़ाऊँ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब हम तालीम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें तालीम के मकसद को भी समझने की ज़रूरत है। तालीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि तालीम का मकसद दानिशवराना तरक्की, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं, माशरती तरक्की, सोशल डेवलपमेंट, अखलाकी तरक्की, जिस्मानी तरक्की और रूहानी तरक्की, और ये किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बल्कि ये कंबाइंड एफर्ट होती है जिसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, समाज के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, असातिज़ा भी इन्वॉल्व होते हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, और जो ख़ुद तालिबे इल्म इस अपनी तालीम को हासिल कर रहा है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो तालीम के जो मकासद, तालीम के जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो साइकोलॉजी से भी रिलेटेड हैं, सोसाइटी से भी रिलेटेड हैं, स्टूडेंट से भी रिलेटेड हैं, पेरेंट्स से भी रिलेटेड हैं, और पूरे समाज से रिलेटेड है। आउट ऑफ स्कूल रेट फॉर प्राइमरी एजुकेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन, इसको देखने की कोशिश करते हैं। अगर पूरी दुनिया को देखें तो चार कैटेगरीज में कंट्रीज डिवाइडेड हैं। लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री, जिसमें इंडिया का भी नंबर आता है, और हमारी जो पोजीशन है वो 131वें नंबर पर है 189 कंट्रीज में। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट क्या चीज़ है, ये हेल्थ से, एजुकेशन से और लिविंग स्टैंडर्ड से डिसाइड होता है। तो जो आउट ऑफ स्कूल और यूं कहिए कि एजुकेशन से जो दूर थे प्राइमरी लेवल पर, 86% हमारे जो बच्चे थे जो प्राइमरी एजुकेशन में थे, यानी कि 8th स्टैंडर्ड और हाई स्कूल 8th स्टैंडर्ड के, 86% स्टूडेंट जो थे हमारे एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे थे। जो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उसमें तादाद थोड़ी कम थी, जो 74.2% थी, और हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज में इसकी तादाद 46.9% थी, और वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री, जिसको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, उसमें भी 20% बच्चे ऐसे थे कि जो बिल्कुल भी तालीम से हासिल नहीं कर पाए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन। तो इस बार इन सब चीज़ों से एक चीज़ सामने नज़र आती है कि पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि तालीम का ताल्लुक हमारी इकोनॉमी से भी है, तालीम का ताल्लुक हमारे रिसोर्सेज से भी है, और तालीम का ताल्लुक हमारी जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है उससे भी। जाहिर है लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज में ICT और ऑनलाइन एजुकेशन को अहमियत नहीं दी जाती थी, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले अफराद जो थे इन्हीं कंट्रीज़ के थे। लेकिन असर हर कंट्री पे था, बच्चों की एजुकेशन हर कंट्री की मुतासिर हुई है, और 90% करीब करीब स्कूल क्लोज थे, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस क्लोज थे, और जो कम से कम 138 करोड़ स्टूडेंट्स को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जिन्होंने मुतासिर किया। अगर हम हिंदुस्तान की स्टैटिस्टिक्स को देखें तो देखते हैं कि 1.5 मिलियन स्कूल्स वर क्लोज्ड इन इंडिया, ये सब बंद थे, और करीब 25 करोड़, 24.7 मिलियन, 25 करोड़ के करीब आती है, एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल में जितने भी हमारे स्टूडेंट थे वो एजुकेशन से दूर थे। और अगर हम टोटल तादाद देखें तमाम स्टूडेंट की, तो ये 32 करोड़ स्टूडेंट थे जो इस लॉकडाउन की वजह से, महामारी की वजह से ये मुतासिर थे। एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इससे सामने निकल करके आ रही है, जो लोग एजुकेशन ऑनलाइन हासिल किए हैं उनका जो
लर्निंग लॉस है, यानी कि उनकी जो एजुकेशन है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, यानी कि उनका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या नशोनुमा जो होना चाहिए वो 40-60% तक मुतासिर रहा है। बहुत सारी वजूहात हो सकते हैं, डिजिटल डिवाइड था, कहीं पर फैसिलिटी थी कहीं पर नहीं थी, कुछ इंस्टीट्यूशंस के अंदर पहली फैसिलिटी मौजूद थी कुछ के अंदर मौजूद नहीं थी, और कुछ स्लो गवर्नेंस भी रहा है, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत तेज़ी के साथ इसमें अपना एंटर हुए और उन्होंने चीज़ों को अच्छे से पेश किया, वहाँ पर ये लर्निंग थोड़ी सी कम हुई बेहतर हुई। और वीक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, जाहिर है टीचर को भी ये पहला एक्सपीरियंस था ऑनलाइन एजुकेशन का, और उसके लिए उनको काफ़ी परेशानी भी लाहक हुई, और परेशानी के साथ साथ जो एक ट्रेनिंग थी वो उनके पास ना होने की वजह से वो उस तरीके से असरअंदाज उनकी टीचिंग नहीं हो पाई जिस तरीके से होनी चाहिए। अगर हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कॉमन हैं, जो स्टूडेंट से भी रिलेटेड थी और जो तलबा स्टूडेंट से रिलेटेड थी, उनके पेरेंट्स से रिलेटेड थी। अगर हम तलबा के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर नोट डाउन की है, एक्सपेक्टेड राइज इन ड्रॉप आउट रेट्स ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाएंगे और फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता खोला जाएगा, तो जाहिर सी बात है जब लॉकडाउन की वजह से लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस मुतासिर हुई, उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशंस, नफ्सियात उनकी मुतासिर हुई, तो ऐसी कंडीशन में हम माशरे की तरफ अगर निगाह उठा करके देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी स्कूलों पर में वापसी नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। और ये कितना है अभी इसका आदाद व शुमार हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप अपने अरीब करीब के लोगों को भी देखने की कोशिश करें तो हमें एहसास होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अपनी एजुकेशन को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं स्कूल्स खुलने के बाद भी। और जब इस तरीके की कंडीशंस आती हैं तो जाहिर है जो हमारा माशरा है उसमें सबसे ज़्यादा ख्वातीन मुतासिर होती हैं, लड़कियां और बच्चियां मुतासिर होती हैं। अगर घर के अंदर एक बच्चा है और बच्ची है और अगर सेक्रीफाइस करने का नंबर आता है तो जाहिर है लड़की के ही एजुकेशन हमेशा सेक्रीफाइस होती है, ऐसा अमूमन हमारी सोसाइटी के अंदर देखा गया है। लर्निंग आउटकम्स की मैंने बात करी, लेकिन एक चीज़ और मिसमैच जो हम देखते हैं जो आने वाले टाइम में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो ये है कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं, यानी कि हमने जो सीखा है वो तो कम है, लेकिन अगर हम अपनी मार्कशीट को उठा करके देखते हैं तो मार्कशीट पर स्टूडेंट के नंबर बहुत ज़्यादा हाई हैं। क्यों? क्योंकि CBSE ने और जितनी भी बॉडीज हैं उन्होंने जो एग्जामिनेशन के पैटर्न को चेंज किया और सारा का सारा पैटर्न जो है स्टूडेंट फेवरेबल हो गया, उसकी वजह से उनके मार्क्स तो बहुत ज़्यादा आए हैं लेकिन उनकी तालीम उस क्वालिटी की एजुकेशन नहीं हो पाई जिसकी ऑफलाइन एजुकेशन में होती है। बच्चों को मुस्तकिल घरों के अंदर रहना पड़ा और बहुत लंबे टाइम तक उनको रहना पड़ा, उससे क्या हुआ, लोनलीनेस, अकेलेपन की फीलिंग हुई माशरे से और दूसरे बच्चों से वो हमेशा दूर रहे, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जा पाए, फंक्शंस अटेंड नहीं कर पाए, यहाँ तक के नमाज की पर भी पाबंदी लगी हुई थी, मस्जिद के अंदर तक भी नहीं वो जा पाए, और खौफ और डर की वजह से बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया गया, जिसकी वजह से उनके अंदर अकेलापन आया और लोनलीनेस की फीलिंग आई। जब आप अकेले होते हैं और आप लोनलीनेस की फीलिंग आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते हो, और जब आप प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते हो तो बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स जो हैं उसके साथ ऐड होती चली जाती हैं, और ये एंग्जाइटी पहले स्ट्रेस से शुरू होता है, उसके बाद फिर एंग्जाइटी के लेवल पर चला जाता है और फिर फ्रस्ट्रेशन की नौबत आ जाती है, और हमारी पूरी परफॉर्मेंस, चाहे वो हम अपने घर के लोगों से बात कर रहे हों चाहे बाहर के लोगों से बात कर रहे हों, पूरी वो मुतासिर होती है।
एक इसकी वजह और भी है कि बच्चों ने का इंटरेक्शन बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ में खत्म हो गया, और गरीब बच्चे जिनका एक मिड डे मील जो सहारा हुआ करता था, उनको एक खाना, एक वक्त का खाना स्कूल के अंदर मिलता था, वो भी मुतासिर हुआ। जाहिर है जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही पुअर है, और हमारे यहाँ करोड़ों अफराद ऐसे हैं कि जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी है। 30 और 40 करोड़ का एक स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि जो बिलो पावर्टी लाइन में लोग रहते हैं, जाहिर है उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और जब बच्चों का आइसोलेशन हुआ तो उनकी जो मेंटल हेल्थ, जिसको हम कहते हैं नफसियाती हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग हम जिसको कहते हैं, अगर बात कर रहे हैं तो सुकून उनके चेहरे पर नजर आता है, किसी काम में इन्वॉल्व हैं तो उसमें दिल लगता है। लेकिन जब आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो ना आप खाने को एंजॉय करते हैं, ना आप सोने को एंजॉय करते हैं, और ना और दूसरी चीज को एंजॉय करते हैं, और जहन हमारा हमेशा जो है मुतासिर रहता है। टीचर जो होते हैं, एक टीचर का और स्टूडेंट का एक जो बॉन्ड होता है वो बड़ा सिग्निफिकेंट होता है किसी भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, क्योंकि टीचर एक सोसाइटी की बैकबोन होता है, वो लीडर होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। अगर स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन, लाइव इंटरेक्शन जिसकी हम जब बात कर रहे हैं, अगर वो नहीं हो पाता है तो बच्चे जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर नहीं कर पाते, जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग उनको वहां से मिल सकती है फेस टू फेस इंटरेक्शन से। कभी कभी एक छोटी सी थपकी टीचर की स्टूडेंट को इतना मोटिवेट कर देती है कि वो पूरी जिद्दोजहद के साथ जो है अपनी तालीम की तरफ लग जाता है, और उसके अंदर इंटरेस्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। इससे यंगस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जो एडोलिसेंट स्टूडेंट्स हैं जिनकी उम्र 14 साल से लेकर के आगे बढ़ती है, उनके अंदर बहुत चीजों में जब मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो आदमी का माल एडजस्टमेंट होता है, वो सही तरीके से सोसाइटी के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो सही तरीके से सो नहीं पाता है। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों ने जो है ड्रग्स का और एल्कोहल का भी इसके अंदर इस्तेमाल किया। आउटडोर स्पोर्ट्स बिल्कुल बंद थे, क्योंकि आउटडोर स्पोर्ट्स वो सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, वो एक रिक्रिएशन की एक एक्टिविटी है, और बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी मानी जाती है। जब आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आप वहां पर सीखते हैं, एंथुजियाज्म सीखते हैं वहां पर जा करके, और एक जोश और वलवला सीखते हैं। और विक्ट्री और डिफीट के अंदर जब आप जीतते हैं और जब आप हारते हैं तो एक बैलेंस, इमोशनल बैलेंस जो है उससे जो है बच्चे सीखते हैं, वो चीज उनके अंदर मिसिंग पाई गई। ना तो घर के लोगों ने उनको बाहर जाने का मौका दिया, ना ही कंडीशंस ऐसी थी, वो बच्चे आज भी मुतासिर हो रहे हैं। ये सारी चीजें जब आती हैं तो बच्चों का जो मोटिवेशन है और एस्पिरेशन लेवल जो है बहुत कम हो जाता है। मैं अपनी क्लास में ऑब्जर्व करता हूँ, मेरी और टीचर से भी बातचीत होती है तो वो यही कहते हैं कि बच्चों का जो मोटिवेशन है, लर्निंग का जो जज्बा है, और उनकी ख्वाहिशात हैं वो बहुत लो लेवल पर पहुंच गई हैं। उनको सिर्फ ये लगता है कि एग्जामिनेशन में जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा, हमें इवेलुएट नहीं किया जाएगा और हम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो पॉजिटिव भी एस्पेक्ट्स हैं और निगेटिव भी एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे साथ चलते हैं। निगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स ऑनलाइन क्लासेस अमंग स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं। और ये निगेटिव एटीट्यूड कहाँ से आया? देखिए, किसी भी चीज के लिए कोई भी एटीट्यूड जो चेंज होते हैं, जो हमारे हमारा हमारा जो एटीट्यूड चेंज होता है वो किसी एक दिन में या 2 दिन के अंदर चेंज नहीं हो पाता। एटीट्यूड चेंज होने के लिए टाइम लगता है, और वो टाइम ऑनलाइन टीचिंग के लिए मिल नहीं पाया, क्योंकि हमारे बच्चे हमेशा से, बचपन से लेकर के आज तक, वो ऑनलाइन टीचिंग में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए, और ना ही वो ऑनलाइन, और हमेशा ऑनलाइन टीचिंग को जो है सेकेंड ग्रेड की टीचिंग हमारी माशरे के अंदर माना गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो निगेटिव एटीट्यूड था ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ, वो आज भी मौजूद है। हम अटेंडेंस में, अभी अटेंडेंस के बारे में अभी आप अगला पॉइंट मैंने नोट किया है, मैं उसमें डिस्कस करूंगा। जब पुअर इंटरेस्ट होता है और लो लेवल का अटेंशन स्पैन होता है तो
तो पैसिव लर्निंग होती है, एक्टिव लर्निंग नहीं होती है। एक्टिव लर्निंग कब होती है, जब लर्नर इंटरेस्ट लेता है अपनी लर्निंग के लिए। और जब लर्नर इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो सिर्फ ये सोच करके कि टीचर की ये क्लास है और टीचर कहते हैं कि बेटा इसमें ज्वाइन कर लेना, तो वो उसको ज्वाइन कर लेता है और ज्वाइन करने के बाद किसी दूसरे काम के अंदर एंगेज कर देता है, अपने कैमरा को ऑन करते करके और अपने आप को म्यूट करके वो दूसरी तरफ चला जाता है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का मैंने आपको बताया कि आउटडोर एक्टिविटीज भी बंद थी स्पोर्ट्स की, और किसी भी फंक्शंस और किसी भी एक्टिविटी के अंदर बच्चों का ना जाना, वो रिक्रिएशन की एक्टिविटी ना होना, उनकी उनकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पर असर हुआ, उनके मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट पर असर हुआ। बहुत सारी रिसर्चेस एजुकेशन डिपार्टमेंट में, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में हुई हैं, जो ये शो करती हैं कि बेटर मेंटल हेल्थ लीड्स टू बेटर अचीवमेंट। अगर बच्चों की मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तो उनका अचीवमेंट अच्छा आता है। एक और परेशानी जो सभी के लिए कॉमन थी, स्टूडेंट्स के लिए भी कॉमन थी, स्लीपिंग डिसऑर्डर था। उनके अंदर रिजिडिटी एक पाई जाती थी, गुस्सा था और इरिटेशन का जो है, यानी ये सारे सिम्टम्स हैं, माल एडजस्टमेंट के सिम्टम्स हैं। जब आप बेहतर वेल बीइंग में नहीं होते हैं तो इस तरीके की सिम्टम्स जो हैं ह्यूमन बीइंग्स में डिमॉन्स्ट्रेट होते हैं, और ये बुनियादी चीज़ें होती हैं जिससे हमें अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ नॉट गुड और नॉट गुड फॉर द स्टूडेंट। उस वक्त हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत होती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, हायर एजुकेशन, खास तौर से हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के जहन के अंदर ये बात भी आई कि अब इकोनॉमिक कंडीशंस का रिवाइवल होना बहुत मुश्किल काम है या देर तलब है, तो ये भी एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग उनके जहन के अंदर आई कि अब क्या होगा। इससे भी जाहिर है बच्चों की सेहत भी मुतासिर होती है, बच्चों के घर वालों की भी मुतासिर होती है, क्योंकि बच्चों के घर वालों का भी मुस्तकबिल बच्चों की तालीम से जुड़ा हुआ होता है। और हमारे माशरे के अंदर तालीम को एम्प्लॉयमेंट से ही जोड़ा जाता है, और मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे कि जो तालीम को एम्प्लॉयमेंट से नहीं जोड़ते होंगे, वो तालीम को सिर्फ तालीम के मकसद से हासिल करना चाहते होंगे। एक और चीज़ जो यहाँ पर बच्चों के अंदर देखने के अंदर आई है कि उनके अंदर सेल्फ स्टडी और स्टडी हैबिट्स उनकी चेंज हो गई हैं, टाइम मैनेजमेंट उनको नहीं आ पा रहा है जिस तरीके से, क्योंकि जब आप स्कूल में जाते हो तो आपका एक पूरा शेड्यूल होता है सुबह से शाम तक का, वो शेड्यूल डिस्टर्ब है, रात में देर तक जाग रहे हैं, सुबह में देर तक जगते हैं, नाश्ता खाने के टाइम पर होता है और खाना और लेट होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज भी सोसाइटी को मुतासिर कर रही हैं। बच्चों की रीडिंग हैबिट तो ख़त्म हुई है, राइटिंग हैबिट भी ख़त्म हो गई है। अभी आप बच्चों से कहिए, टिक मार के सवाल को बहुत आसानी से करने की कोशिश करते हैं, अगर आप उनसे कहिए कि किसी चीज़ को एलेबोरेट करके लिखिए, तो वो हुनर, वो स्किल आज बच्चों के अंदर बाकी नहीं रहा है। और ऑनलाइन होने की वजह से जाहिर है चीटिंग भी बच्चों ने की है, जिससे उनकी मॉरल डेवलपमेंट भी मुतासिर हुआ है। टीचर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे टीचर्स बड़ी इनसिक्योरिटी की फीलिंग में आज भी मौजूद हैं। उनकी सैलरी को कम कर दिया गया है, ना ही सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों पर जो लोग काम करने वाले हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो कहीं पर 20% रिड्यूस की गई है, कहीं पर 30% रिड्यूस की गई है, कहीं पर कुछ लोगों को हटा दिया गया है। और बहुत सारे जो लो बजट वाले स्कूल्स हैं वो बंद हो गए थे, और मुझे नहीं लगता कि अभी वो इस पोजीशंस में होंगे कि वो दोबारा खोलेंगे, क्योंकि उनके पास उनके यहाँ जो बच्चे थे वो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के स्टूडेंट्स थे, जिनके पास अभी उनकी फीस भरने का पैसा नहीं है। तो बहुत कम ऐसे ही लोग होंगे जो अपनी बच्चों की, खास तौर से लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के जो अपने बच्चों की एजुकेशन को दोबारा, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अब आप कोई स्कूल बंद होता है तो उसका ओनर, उसके सारे एम्प्लाई और उसके सारे नॉन टीचिंग स्टाफ और उसके पियोन और उसके सारी चीज़ें, स्कूल में जो रिक्शे वाले, हर चीज़ मुतासिर होती है और उसका पूरा एक इफेक्ट आता है। अनप्रिपेयर्ड टीचर्स फॉर ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग,
हमारे जो टीचर्स थे ऑनलाइन मोड के लिए वो तैयार नहीं थे और बहुत रिकॉर्ड टाइम उनको इन्वॉल्व होना पड़ा, तो टीचर की भी जहनी जहनी सलाहियत उस अंदाज की नहीं थी, जहन उनके लिए तैयार नहीं था, तो उनकी भी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई है। खासतौर से जो सीनियर टीचर्स थे जो टेक्नोलॉजी में बहुत कम नॉलेज हासिल करते थे, उनकी नॉलेज थी। टीचर्स का वर्कलोड भी बढ़ा इसमें, हर काम टीचर्स ही को प्रिंसिपल की सारी रिस्पॉन्सिव प्रिंसिपल और यूनिवर्सिटी के चेयरमैन्स एंड डीन्स सारे जो हैं, सारी जो चीज़ें जो आती थी वो टीचर से होकर के स्टूडेंट तक जाती थी, और तो टीचर्स का वर्कलोड भी काफ़ी बढ़ा हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सारे स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर कोई सपोर्ट टीचर को हासिल नहीं हो पाया। जैसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई करा दिया जाता, अलीगढ़ मुस्लिम, आप लोगों को याद होगा जो असातिज़ा हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, कि जैसे ये लॉकडाउन हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर ने 2-3 प्रोग्राम कराए थे, और वो प्रोग्राम बड़े सक्सेसफुल प्रोग्राम थे जिससे टीचर्स के अंदर एक भरोसा जगा था और उनकी बेसिक नॉलेज उनके अंदर डेवलप हुई थी, और उन्होंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी। पुअर अटेंडेंस का बहुत बड़ा मसला है क्लासेस के अंदर, जब हम अपनी क्लास लेते हैं, मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए, कि जब हम अटेंडेंस करते हैं मुझे नहीं लगता किसी भी दिन जो है 50% से ज़्यादा अटेंडेंस बच्चों की रहती होगी। स्टार्टिंग में तो होती है जब सेशन शुरू होता है, लेकिन उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी प्रॉब्लम जो है ख़त्म होती चली जाती हैं। तो जब बच्चों की अटेंडेंस कम होगी और उनकी रिस्पॉन्सेज भी नहीं होंगी, इंटरेक्शन भी मिस होगा, तो जाहिर है टीचर से आप क्या उम्मीद करते हैं। वो भी टीचर है, वो भी इंसान है, वो भी माशरे का हिस्सा है, उसने भी परेशानी देखी है, उसके भी घर के अंदर प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसकी भी माली हालत मुतासिर हुई है। सारे यूनिवर्सिटी के लोग, सारे टीचर्स परमानेंट नहीं होते, बहुत सारे प्राइवेट में जॉब उनकी गई है, बहुत ही कम लोग परमानेंट होते हैं जाहिर है। बट टीचर्स के अंदर एक स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। जब टीचर के अंदर स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, तो उसकी परफॉर्मेंस क्लासरूम में भी मिस होगी, कम होगी, पूरी तरीके से वो अपनी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और जाहिर है जो टीचर एक अपना कोई मकाला लिख सकता है या कोई रिसर्च कर सकता है, उसकी थिंकिंग में और उसकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के अंदर भी असर होता है। कुछ चीज़ें हैं जो माशरे से रिलेटेड हैं, पेरेंट्स से रिलेटेड हैं, सोसाइटी, जाहिर है पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी सोसाइटी का हिस्सा हैं। इन सारी चीज़ों को डिमार्क, अलग अलग डिमार्क करना जो है, ये एक पूरी तरीके से डिमार्क नहीं किया जा सकता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको अलग कर सकते हैं। अनएजुकेटेड पेरेंट्स कुड नॉट प्रोवाइड एनी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू देयर चिल्ड्रन। बहुत सारे बच्चों के माँ बाप, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद हमारे स्टूडेंट की खासतौर से स्कूल्स के अंदर उन लोगों की है जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, उनकी पहली जनरेशन लर्निंग कर रही है और वो अचानक स्कूल बंद हो जाते हैं, 1.5 साल तक 2 साल तक स्कूल नहीं खुल पाते हैं, तो माँ बाप को तो पहले से ही नहीं मालूम था कि टीचिंग एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ना उनके पास तालीम थी, ना उनके पास वो गाइडेंस था, वो क्योंकि एजुकेशन के लिए तो एक गाइडेंस की भी जरूरत होती है, और गाइडेंस सिर्फ पेरेंट्स से और इंस्टीट्यूशन से नहीं बल्कि हर तरीके से आता है, वो पेरेंट्स से भी आता है, स्कूल से नहीं बल्कि पेरेंट्स से भी आता है, तो घर का गाइडेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक डिफिकल्टीज होने की वजह से घर के लोग, घर का माहौल डिस्टर्ब होता है, और जब घर का माहौल डिस्टर्ब होता है तो लर्निंग का एटमॉस्फेयर भी डेवलप नहीं हो पाता है। पेरेंट्स फेसिंग इकोनॉमिक डिफिकल्टी, मैंने अभी आपको डिस्कस किया, और नेगेटिव एटीट्यूड्स ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स ऑनलाइन एजुकेशन, मैंने आपको बताया कि सोसाइटी का एज ए होल ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जो एतमाद डेवलप होना चाहिए था वो डेवलप नहीं हो पाया, बल्कि आज भी नहीं हो पाया है। टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी और उनके पेरेंट्स भी की ख्वाहिश यही है कि बहुत जल्द से जल्द जो है ये ऑफलाइन सिस्टम शुरू हो, वो इसको एक इमीडिएट अरेंजमेंट की तरफ
की तरह ले रहे हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू टेक इट एज ए परमानेंट सोल्यूशन। उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ वो नहीं देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज को निगेटिव वे में लेते हैं तो उससे फायदा उठाने के जो तौर तरीके हैं वो आपके मिनिमाइज हो जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि अपने बच्चों की तालीम को कंटिन्यू नहीं करा पा रहे हैं। थोड़ा सा सोचिए, एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, इकोनॉमिक डिफिकल्टी की वजह से नहीं पढ़ा रहा है, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी, उसके बच्चों पे क्या सोच होती होगी और उसके घर का क्या माहौल होता होगा। अगर हम फील करें, एम्पैथी डेवलप करें इस अंदाज से, तो फिर हमें एहसास होगा कि इंसान का जीने का, इंसान का खुश रहने का जो तरीका ही बदल जाएगा, उसकी सोच बदल जाएगी। हो सकता है कि जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, माशरे के वेल ऑफ लोग हैं, उनकी तरफ से उनका जो है एक निगेटिव एटीट्यूड भी पैदा हो जाए। सोशल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिसिंग था और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उसके बाद फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है लोगों की मुतासिर हुई। ये सिर्फ स्टूडेंट की और टीचर्स की नहीं, बल्कि ओवरऑल सब लोगों की जो है मेंटल हेल्थ मुतासिर हुई है। और ऐसा भी देखा गया है कि माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूल से हटा करके कामों के अंदर लगाया है, यानी कि चाइल्ड लेबर भी इंक्रीज हुआ है, और कुछ केसेस मैंने पढ़ा है कि चाइल्ड मैरिज के भी सामने हमारे आए हैं। 15-20 मिनट की इस डिस्कशन के बाद अब आखिर में मैं कुछ सजेस्टिव मेजर्स की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए, जब स्कूल देखिए एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट, इंसान एजुकेशन हासिल करना इंसान का एक फंडामेंटल राइट है, उसका बुनियादी हक है। इसको गवर्नमेंट भी मानती है और इसको इस्लामिक टीचिंग भी मानती है कि बगैर एजुकेशन के आप अल्लाह को नहीं पहचान सकते, आप दुनिया को नहीं समझ सकते, अपने मकासिद को नहीं समझ सकते, आप इस्लाम की टीचिंग को नहीं समझ सकते। तो ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त है कि हम अपनी चीज़ों को देखें। जो सोसाइटी के एजुकेटेड लोग हैं, एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस बॉडीज़ हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो ये जहन रखते हैं कि लोगों की फाइनेंशियल मदद की जाए, तो उसका सबसे पहला तरीका यही है कि हम अपनी अपनी लोकेलिटी के अंदर ऐसे लोगों की निशानदही करें, उनको आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम एक ज़कात का जो फंड है उसको हम वाकी मुसलात अबातु ज़कात, नमाज के साथ साथ ज़कात का हुक्म कुरान पाक के अंदर दिया हुआ है। बहुत कुछ कहा जाता है ज़कात के बारे में, बहुत कुछ लिखा जाता है ज़कात के बारे में, लेकिन अभी उस अंदाज से जहाँ जहाँ नमाज के साथ साथ जैसे जैसे ज़कात का जिक्र आता है, जितने मुनज्जम तरीके से हम लोग नमाज को एस्टेब्लिश किए हुए हैं, उतने मुनज्जम तरीके से अभी हमने ज़कात को एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। ये लोकल लेवल पर हमारे इदारे जो हैं इस तरीके की चीज़ों को अगर करें और लोगों को तालीम के लिए फंड फराहम करें, तो इससे हालात बेहतर होंगे। ज़कात की भी मद बनाई जा सकती हैं, जिस तरीके से एक फंड होता है, फाइनेंस का फंड होता है, उसमें हर चीज़ का एक एलोकेशन होता है, उसमें हम डिसाइड करें कि एजुकेशन में कितना रखना है, हेल्थ के लिए कितना रखना है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना हमें रखना है। और अगर कुछ लोग एक इज्तमाई अंदाज में अपनी ज़कात नहीं देना चाहते, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे खदशात होते हैं, रिजर्वेशंस होते हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए बेहतर तरीका यह है कि अपने किसी एक बच्चे की, अपने मोहल्ले की या दो बच्चे की, अपनी अपनी सलाहियत के अतबार से, अपनी इस्तेआत के अतबार से उसको फंडिंग करें, उसको जो है आप स्पॉन्सर कर दीजिए एजुकेशन को, और आप ये टारगेट बना लीजिए कि पहली क्लास से लेकर के 10th क्लास तक या 10th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक इन बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सलाहियत नहीं है, मनी वो नहीं दे सकते हैं, तो बहुत सारी नॉलेज ऐसी होती हैं कि हम उनको बाई पास ऑन कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, एक बार मेरा लेक्चर हुआ था, वो इस पर एक अलग लेक्चर हो सकता है कि माइनॉरिटीज़ की कौन कौन सी स्कीम्स हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं, नया सवेरा है, एक नई रोशनी है, नई उड़ान है, स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं, नई मंजिल है, स्कॉलरशिप है हाई स्कूल लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर, रिसर्च लेवल पर, लोगों को मालूमात नहीं है।
जाहिर है इसकी मालूमात हम फराहम करा सकते हैं। इसमें एजुकेटेड लोग मुनज्जम तरीके से इसमें सामने आए और इसको हम अपनी मसाजिद के लेवल पर भी इनको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सोशल ग्रुप बनाकर के भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, चार चार पांच पांच लोगों के ग्रुप बनाकर भी हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये खुतबात के अंदर, जब जुमे के खुतबात होते हैं तब भी इन चीज़ों का दो चार पाँच मिनट के अंदर अगर जिक्र कर दिया जाए तो बहुत बड़े मासिस के अंदर इन स्कीम्स के बारे में, इन फवाइद के बारे में बात की जा सकती है। खाली ज़कात से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुसलमान को हम बहुत ही तंगी में हैं, परेशानी में हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस जो है बड़ी ख़राब है। हम लोगों को ज़कात से भी आगे जाना होगा और सदक़ात हैं और दूसरी हेल्प हैं उनकी तरफ भी सोचना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ अपने काम करने की ज़रूरत है। मदारिस बहुत सारे बंद हो गए हैं और कुछ हैं तो वो बड़ी परेशानी के अंदर चल रहे हैं। जाहिर है मदारिस के ज़रिए से इस्लामिक तालीम भी आगे बढ़ी है, उनकी 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 उनके रोल को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उनकी भी मदद करने की ज़रूरत है, उनको भी अंडरस्टैंड करने मदद करके उनको भी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा सकती हैं कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में गरीब घरों के बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो उनको ना अवेयरनेस है और ना उनको तैयारी का पता होता है, तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम रख करके एक पॉकेट बना करके 50 लोगों को 60 लोगों को, मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्कूलों के अंदर इंटरव्यू लेने का मौका मुझे मिला तो मैंने एहसास किया कि वहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे कि वहाँ के बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई करके आ रहे थे। देखिए अपॉर्चुनिटी है सोशल कॉन्टैक्ट की, मैंने कहा कि ये सब चीज़ें जो हैं हमें करने की ज़रूरत है, रेगुलर प्रेयर्स, कुरान पाक में नमाज की अहमियत के अलावा उसका एक सोशल पहलू भी है, इसको हम समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि टीचर्स का भी रोल है कि टीचर्स जो हैं असातिज़ा से कॉन्टैक्ट रखें और असातिज़ा को स्टूडेंट को एनकरेज करें, उनके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करें और छोटे मोटे डिसिप्लिन को उसकी उनकी जो है इग्नोर करने की कोशिश करें और उनके अचीवमेंट को अप्रिशिएट करें। मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ, अब मैं स्लाइड मेरी यस, स्प्रेडिंग इस्लामिक वैल्यूज अमंग स्टूडेंट। देख कुछ चीज़ें हैं जो आखिर में, मुझे बस 5 मिनट का टाइम दीजिए। अंडरस्टैंडिंग रियल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइफ इन द लाइट ऑफ द इस्लाम, ये हमें बताने की जरूरत है। रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर अचीविंग गोल्स, इस्लामिक गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को बताने की जरूरत है और रियलिस्टिक गोल को सेट करने की जरूरत है। कभी कभी हम ऐसे गोल सेट कर लेते हैं जो हमारी सलाहियतों से ज्यादा होते हैं, तो हमें रियलिस्टिक गोल को सेट करने की ज़रूरत है और इस बात में बिलीव करने की ज़रूरत है, सोसाइटी को बिलीव करने समझने की ज़रूरत है कि लाइफ और डेथ जो है सब अल्लाह ताला के हाथ में है। और ये भी देखना है कि सेल्फिश लाइफ जो है वो इस्लाम के अंदर पसंद नहीं फरमाई गई, इस वजह से समाज की परेशानियों को समझ करके उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। एंथुजियाज शो करना चाहिए सोशल वर्क के अंदर, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने अपने वक्त के हिसाब से, ड्यूरिंग देयर रेस्पेक्टिव वर्क विद फुल डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी। हम जिस काम में लगे हुए हैं, अगर हम टीचर हैं, अगर हम टेक्नोक्रेट्स हैं, अगर हम कोई और एम्प्लॉयमेंट लगे हैं, उसको पूरी ईमानदारी के साथ इस्लामिक वैल्यूज को फॉलो करते हुए हम करें। डू नॉट लॉस होप एंड नॉर बी सैड। आप कभी नाउमीदी जो है इस्लाम के अंदर कुफ्र मानी जाती है और लाइफ से अब मुतमईन रहने की ज़रूरत है और इस्लामिक हिस्ट्री से लर्निंग करने की ज़रूरत है कि हालात बद से बदतर भी हो सकते हैं, हालात परेशानी के भी हो सकते हैं, हालात जिस तरीके से दिन और रात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है उसी तरीके से हालात पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और डेस्टिनी के अंदर हमें बिलीव करना चाहिए, अल्लाह ताला सुबहान से हमें दुआ मांगनी चाहिए और एंग्जाइटी को जो ट्रीट करने के लिए हमें अल्लाह से लॉ लगाना चाहिए। तमाम आयात हैं, जाहिर है वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता, तमाम अहादीस हैं जो तालीम की अहमियत को बयान करती हैं। कुरान का पहला वर्ड भी रीड ही से शुरू हुआ है और माँ बाप से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक्सपेक्ट की गई है वो अच्छी तालीम ही है। ज़कात हैं के बारे में, सदक़ात के बारे में मुतअद्दिद आयात हमारे यहाँ मौजूद हैं। सूरह बकरा की आयत 83 में भी जिक्र किया गया है।
अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मिस्कीनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना, जकात देना। जाहिर है सूरह बकरा की 110 नंबर आयत भी इसी तरफ जकात की तरफ हमें रागिब करती है, और सूरह बकरा की आयत 261 भी हमें यही बताती है कि हमें जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا, ये पूरी आयत है जो है, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और खर्च करके फिर एहसान नहीं जताते ना दुख देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है और उनके लिए किसी रंज और खौफ का मौका नहीं है। अल्लाह पर यकीन, टेस्ट की भी बात कही गई है कि वला नब्लुवन्नकुम बिशयइन मिनल खौफि वलजूइ मिनल वलजूइ वनक्सु मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरात, कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। पूरी आयत है हम खौफ से, खतरे से, फाका कशी से, जान और माल के नुकसान से, आमदनियों के घाटों में मुबतला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र करेंगे और जब कोई मुसीबत पड़ेगी तो कहेंगे हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें जाना। बिलीव इन डेस्टिटी तूरे तगाबुन में अल्लाह ताला से है, मा असाबा मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई भी मुसीबत जो है अल्लाह के इज्न के बगैर नहीं आती है। ऑप्टिमिस्टिक भी होना चाहिए हमें, अल्लाह से उम्मीद भी करनी चाहिए कि ए नबी मेरे बंदों से, बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब ही हूँ। ये वादा है अल्लाह ताला का कि मैं उनके करीब ही हूँ, पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। तो हमें अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने की ज़रूरत है। सूरह अलमोमिन में भी ये बात कही, वकाल रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। इसी तरीके से तमाम जगहों पर जो है ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड की भी हमें ज़रूरत है कि हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह ताला अगर आपकी मदद करने के लिए आ जाए तो कोई ताकत तुम पर गालिब होने वाली नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेसन्स कुरान से हैं, तमाम अहादीस हैं, कुरान की मुतअद्दिद आयात हैं जो हमें एक ऐसी लाइफ जीने के लिए जज्बा पैदा करती है हमारे अंदर कि हम सिर्फ सेल्फिश लाइफ ना रहें बल्कि अपना ख्याल रखें, इस्लाम को समझने की कोशिश करें, तालीम की अहमियत को समझने की कोशिश करें और हम इस माशरे में अपना पूरा एक किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और मुसलमान कभी मायूस नहीं होता, उसके पास जो हालात आते हैं वो उनसे लड़ता है और इस्लाम की हिस्ट्री से सबक लेता है और अपने अपने ही लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचता है। कि वो हदीस पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि जब तक आप सच्चे और पक्के मुसलमान नहीं हो सकते जब तक वो चीज़ ना पसंद दूसरों के लिए पसंद करने लगे जब जो आपको पसंद है। जब हम अपने बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन पसंद करते हैं, हायर एजुकेशन पसंद करते हैं, अच्छी जॉब पसंद करते हैं, तो ये हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए भी ये पसंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया एंड जज़ाकअल्लाह टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।